बाकी भाभी का नाम कहाँ पे लिखाइए बताओ, बताओ ना हाथ से बताओ। सबसे पहले यहाँ पे बू पे सिस्टम लग रखा है, बाकी उधर साइड नहीं होता, लिखा जा रहा है। तो भाई जो है वो गज्जस हैं और भंडारी भाई जामनी खाल से है। और चाचा बहुत बिजी है भाई, चाचा जहाँ भी शादी में जाते हैं ना तो हाँ पूरा काम करते हैं और पूरी व्यवस्था देखते हैं भाई। यहाँ सभी भाई लोग खाना बांट रहे हैं भाई, राहुल भाई, अंकी भाई, साथ में अन्नु और हमारे चाचा भी आ चुके हैं। चाचा प्रणाम। और हमारे अम्मी भाई बहुत बिजी है भाई। तो मैं हल्दी का ब्लॉग एडिट कर ही रहा था तब तक बंटी भाई और अनु दोनों आ चुके हैं भाई चाय पीने के लिए। और बंटी भाई नहीं जा रखा था भाई हल्दी में, क्यों नहीं जा रखा था? जा रखा था। अच्छा ये दोनों पीपल डाली गए थे भाई, उसके बाद फिर गए। अच्छा अनु लेने गए था भाई ये। अरे तक जब तक घर में आए तब तक अनु ने कॉल की मेरे को लेने आए ना। सही है यार तो ड्राइवर। तो ये भी चाय पीने आ रखे हैं, मम्मी मेरे लिए चाय बना रही थी तो चाय पीते हैं और फिर चलते हैं भाई मेहंदी में। तो चलिए मम्मी गर्मा गर्म चाय बना के ला चुकी है और साथ में बिस्किट भी ला रखी है। तो मम्मी चाय लेके आई और बंटी भाई ने बोला कि ये चाय जो है ये ढंग से उबली नहीं है और अपना वाला गिलास मम्मी के पास दोबारा दे दिया भाई चाय उबालने के लिए। बाकी इसकी अलग ही डिमांड है भाई, अब बोल रहे कि बिस्किट भी थोड़ी महंगा वाला चाहिए। तो चलिए चाय पीते हैं, ब्लॉग मेरा अपलोडिंग पे, हल्दी वाला ब्लॉग थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा तो मेरी एक टेंशन खत्म हो गई है। तो गाइस फाइनली रेडी भी हो चुका हूँ, तो चलिए एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के खूबसूरत गांव चा गांव से और मेरे YouTube चैनल लवी राणा ब्लॉग में। तो शाम के लगभग 7 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है मेहंदी में जाने की। अब तक आपने हल्दी का पार्ट 1 ब्लॉग देख लिया होगा, अभी आपने देखा होगा कि बंटी भाई और अनु आए थे तो वो भी घर चले गए। बाकी जब तक ब्लॉग अपलोड हो रहा था तब तक मैंने अपने कपड़ों में प्रेस भी कर लिया है, तो जो मैंने कल शादी में लेके जाना है वो भी प्रेस हो चुके हैं और साथ में मैंने ये गन भी निकाल लिया है। तो दीदी की शादी में हम ये गन लेके आए थे तो अम्मी भाई ने इसके शॉट ला रखे हैं, तो अम्मी भाई ने बोला कि गन लेके आना तो गन भी ले जानी है। तो चलिए फटाफट से मेहंदी में चलते हैं। वैसे मैंने जल्दी चले जाना था बट इस ब्लॉग के चक्कर में मुझे यहाँ रुकना पड़ा और अन्य लोगों को कॉल भी आई थी कि हम चले गए हैं कि तो अकेला ही जाने पड़ेगा, तो देखते हैं कौन रास्ते में मिलता है। तो चलिए अभी मैं आ चुका हूँ किचन में और मम्मी रात के खाने की तैयारी करने लगी है, सब्जी बना रही है मम्मी, वो भी हरी सब्जी। तो वैसे मम्मी ने भी जाना था शादी में बट आजकल तो आपको पता ही है कि दीदी लोग आ रखे हैं जिसकी वजह से मम्मी नहीं जा रही है। तो शादी में जा ही रहा था, बाकी राजा भाई और अरविंद चाचा मुझे मिल गया भाई, नहीं तो मैं अकेले ही जा रहा था। तो अब रोबिन भाई भी आ चुका है और हम रोबिन भाई का वेट कर रहे थे भाई, रोबिन भाई भी अकेला आ रहा था, मेरे को बोल देता मैं भी अकेला आ रहा था नीचे से, ये मेरे को मिल गए थे रास्ते में। तो चलते चलते अन्नू भी मिल चुका है और साथ में अक्कू भाई भी मिल चुका है भाई। और क्या हाल चाल? तो मैंने सोचा मैं अकेला ही जा रहा हूँ भाई और सब रास्ते में मिल चुके हैं मुझे। तो शादी वाले घर में पहुंचने वाले थे, बाकी यहाँ पे आसी, बंटी भाई, अन्नु और एक और आसी भाई, हाँ मामा नहीं आसी भाई, मेरा क्लासमेट था भाई, मामा मुंह मत बोलो उसके लिए। और दूसरा आसी वहां बैठा है भाई। तो जल्दी आके किया क्या तुमने ये बताओ पहले इधर है, ये मेरे को फोन करके बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है भाई जा ले। हाँ चलिए पहुंच चुके हैं शादी वाले घर पे, बाकी यहाँ सुनसान हो रखा है भाई, अभी डीजे नहीं बज रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे बू पे सिस्टम लग रखा है, बाकी उधर साइड नहीं होता, लिखा जा रहा है। और हमारे अम्मी भाई बहुत बिजी है भाई, अम्मी भाई कपड़े तो चेंज कर ले भाई, ले ये तो रख कहीं, ये तो रख कहीं, तेरी अमानत भी है कुछ और मेरे पास, हाँ रख दे उनको संभाल के पहले। तो जब तक यहाँ पे आया तब तक भंडारी भाई भी मुझे मिल चुके हैं, जो आपने दिल्ली ब्लॉग में देखा होगा, जब दिल्ली में गया था उस टाइम भंडारी भाई ब्लॉग में आया था और साथ में ये भाई भी आए हैं, ये भी दिल्ली से ही आए हैं। अच्छा दिल्ली रहते हो अमित भाई के साथ? अमित भाई अच्छा एक ही होटल में। अच्छा तो भाई जो है वो गज्जस हैं और भंडारी भाई जामनी खाल से है, भाई ने पहले ब्लॉग में बताया था जब मैं दिल्ली गया था। और नाम क्या भाई का? प्रदीप है। अच्छा तो यहाँ पे मुझे चाचा भी मिल चुके हैं और चाचा दिन में आ गए थे और चाचा के दर्शन अब हो रहे हैं भाई, कहाँ थे? और चाचा बहुत बिजी है भाई, चाचा जहाँ भी शादी में जाते हैं ना तो हाँ पूरा काम करते हैं और पूरी व्यवस्था देखते हैं भाई।
तो चलिए अभी मैं आ चुका हूँ वहाँ पे जहाँ पे बूफे सिस्टम लगा है और यहाँ सभी भाई लोग खाना बांट रहे हैं। भाई राहुल भाई, अंकी भाई, साथ में अन्नु और आशी भाई और अन्नु भाई। अन्नु भाई तो इस टाइम दिख रहे हैं भाई। बाकी खाने में है राइस और इधर है दाल, चिकन साथ में सब्जी और चाउमीन है, साथ में पापड़ है और सबसे लास्ट में पूरी लगी है। और बंटी भाई सर्विस कर रहे हैं भाई और हमारे चाचा भी आ चुके हैं। चाचा प्रणाम। सब बढ़िया। क्या पहुंच तुम्हें भूली कि मैं लेना को भूली बोलते फोन की नहीं कर दोबारा। मैं तुम्हारा इंतजार था करूँ, मैं फोन बोलते मैं सीधा मैं त्या घर जाए तब मैंने ब्लॉग एडिट करे मैंने अपलोड कर दे। और यहाँ पे हमारे चाचा भी है जो कि काफी बिजी है और यहाँ जलेबी और साथ में अच्छा नॉनवेज। चाचा हमारे जलेबी और चिकन बांट रहे हैं। बाकी इधर साइड सभी लोग खाना खा रहे हैं भाई और भयंकर भीड़ इधर लग रखी है। बाकी बंटी भाई बहुत बिजी हो रखा है भाई आज। बंटी भाई आज बड़ी मुश्किल से इधर आया और काम करने पे लग रखा है भाई। बंटी भाई बहुत बड़े औसत निकल रहे हैं यार। हाँ दो दिन से आया नहीं तू इधर, आज आया तो आज बिजी हो गया यार, काम करने लग गया। बाकी यहाँ पे मुझे ताऊ जी भी मिल चुके हैं। तो चलिए अभी मैं आ चुका हूँ वहाँ पे जहाँ पे दूल्हे का फोटो शूट चल रहा है और हमारे दूल्हे राजा मस्त रेडी होके फोटो शूट करवाने आ चुके हैं जो कि काफी मस्त लग रहे हैं। अजमीर भाई काफी मस्त लग रहे हो तुम। बाकी भाभी का नाम कहाँ पे लिखाइए बताओ, बताओ ना हाथ से बताओ। तो भैया की पांचों उंगली पे भाभी का नाम लिखा है भाई। तो चलिए फोटो शूट भी करा लिए, बाकी खाना भी खा लिया और अब हम जा रहे हैं डांस करने। Yeah.
फाइनली अम्मी भाई लोगों घर से घर पे भी आ चुका हूँ। बाकी रात के बज रहे हैं 2, तो आज हालत खराब हो गई है भाई। इतना कभी डांस नहीं किया जितना आज डांस किया। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसी सपोर्ट बनाए रखे। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।